वेलकम दोस्तों फ्रेंड्स, एमपी पटवारी के क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं। 12, 13, 14 तारीख के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे सेंड किए हैं। आइए बात करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले सारे वीडियो आप लोगों को मिल सकें। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं, 2 की पावर 5 / 2 की पावर 3 देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी हम लोग इस टाइप से दिया जाता है और बेस आपका समान हो, 2 और 2 और भाग देते हैं, तो घातें जो फ्रेंड्स होती हैं, जो पावर होती हैं, वो लेस हो जाती हैं। तो आंसर आपका क्या आएगा, 2 की पावर 2। अगर आपका ऑप्शन ये है तो इस पर हट कीजिए, वरना आप इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 15% की कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्या है, मान लीजिए ये आपका आयत है, इसकी लंबाई मैंने 100 मान ली, चौड़ाई भी 100 मान ली। अब आप बोलेंगे सर ये तो स्क्वायर हो गया। देखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 100 लेने से आपके डाटा सही आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ परसेंट की बात की गई है। ठीक है ना, आयत की लंबाई 100-100 हो सकती है, वो भी स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो डेटा सही आने की वजह से मैंने 100-100 लिया है। तो अगर इसका हम क्षेत्रफल देखेंगे तो फ्रेंड्स आपका क्या आएगा, 10,000, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे, देखिए कि इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो मैंने 10% की वृद्धि कर दी, और आयत की चौड़ाई में 15% की कमी, यानी कि 85% हो गया। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकालेंगे, 110 × 85, तो 11 × 55, 11 × 8 = 88, और 5 = 93, और यहाँ पर 0 आ जाएगा आपका। देखिए पहले क्षेत्रफल ये था, अब ये है, पहले था 10,000, अब है 9,350, तो ये थोड़ा कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है देख लीजिए, 9,350, तो ये आपका 50 हो गया, यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 3 गया 6, 650 का इसमें अंतर हुआ, प्रभाव पड़ा। अब फ्रेंड्स ये पता नहीं था कि परसेंटेज पूछा गया किसमें पूछा था, अगर परसेंटेज होगा तो आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 400 मीटर लंबी ट्रेन किस चाल से चल रही है, मीन स्पीड आपसे पूछी गई है, अगर 300 मीटर लंबी सुरंग को 40 सेकंड में पार करती है। देखिए क्या है, मान लीजिए आपका लंबी ट्रेन है, ये आपकी सुरंग है, ट्रेन आपकी 400 मीटर है, सुरंग आपकी 300 मीटर है, और 40 सेकंड में आपकी पार करती है। देखिए ये भी मीटर में, ये भी सेकंड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जब भी कोई ट्रेन सुरंग को पार करती है, दोनों की लंबाई ऐड की जाती है, 700/40, इसको अगर हम काटेंगे, देखिए 4 × 4 आपका बचा 3, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20 मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये आपका है 72, 75, 25, 14, 14 का औसत क्या होगा। देखिए जनरली स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको ऐड करने लगेंगे, जैसे 4, 4, 8, 5, 13 इस प्रकार से ऐड करेंगे, बट आपको नहीं करना है। देखिए ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, जैसा मैंने बोला है कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन और मॉक टेस्ट में बहुत अंतर होता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 75 और 25 क्या होते हैं, 100, 14 और 14 = 28, 28 और 72 कितने होंगे फ्रेंड्स, ये भी आप कितने हो जाएंगे, 100, 100 और 100 = 200, और देखिए टर्म कितने हैं आपके, 5, 5 × 20, 40 आपका क्या हो जाएगा एवरेज। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में टाइम बचता है अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक पार्टी में 40 लोगों को आमंत्रित किया गया, इनमें से केवल 7/10 लोग ही आए, तो कितने लोग नहीं आए। देखिए फ्रेंड्स क्या है, 7/10 आए ना, तो कितने नहीं आए, 3/10। ठीक है ना, देखिए कितना डिफरेंस है, 3 का है ना, 3/10 नहीं आए, तो 40 का 3/10 आप निकाल लीजिए, 10 × 40, 12 लोग जो है नहीं आए। ऐसे नहीं निकाल सकते, तो आप ऐसे निकाल लीजिए कि 40 का 7/10 कितना हुआ, 28, 28 लोग आए थे, इसमें लेस कर दीजिए, इतने लोग नहीं आए थे। ठीक है ना, आगे देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल
25 50 है, 25 50 पॉइंट 25 है, तो वर्ग की भुजा क्या है? देखिए आपको ए स्क्वायर बराबर दिया गया है 2550.25। यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा। देखिए 0.5 है तो ये तो पता है कि 5 आएगा, यहाँ पॉइंट लगाइए। अब देखिए ये किसके स्क्वायर के पास में है। देखिए फ्रेंड्स 50 का होता है 2500, ठीक है ना, 2500 है तो ये आपका और ऊपर जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कितने का, 505 का, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जॉन किसी कार्य को 24 दिन में करता है, ठीक है। देखिए जॉन किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, राज उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में खत्म होगा। देखिए दोनों का एलसीएम क्या है, 24, तो ये एक दिन में एक करेगा, ये दो करेगा। पूछ रहे हैं कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3, और टोटल कार्य कितना है, 24, तो 24/3 यानी कि आपका कितना आंसर आ जाएगा, 8 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 31, 38, 42, 46 और 54 का औसत क्या है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ते हैं। देखिए 40 और 30 70 और 8 और 2 10, ये आपका 80 हुआ। इन दोनों को ऐड करेंगे 50 40 90 और ये आपका 10 100, आपके ये हो गए 180, तो आपके ये हो गए, उसमें से 3 आप ये जोड़ दिए तो फ्रेंड्स आपके हो गए कितने, 210, ठीक है ना, 210 और एक 211, और टर्म फ्रेंड आपके कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो देखिए इसका होगा कितना, अगर आप इसको काटेंगे, काटिए 5 को 20, आपका बचा कितना, एक बचेगा ना, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, ये आपका औसत निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2 केला व 1 अमरूद की कीमत 8 रुपये है। देखिए 2 केले और 1 अमरूद कीमत 8 रुपये है, और 1 केला 2 अमरूद की कीमत 12 रुपये है। पूछा गया है कि अमरूद कीमत बताइए। देखिए जब अमरूद की कीमत पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, इसको समान कर लेते हैं। इसको समान कैसे करेंगे, देखिए चलिए अमरूद को ही हम लोग कर लेते हैं। अमरूद को करेंगे तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे ऊपर वाले में, तो ये समान हो जाएगा, तो 4K+2A+16 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स ये आपका नहीं रहा, माइनस करेंगे हम लोग तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ बचेगा आपका 3K=4 बचेगा आपका, तो K=2 हो गया कितना, 4/3। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अमरूद था ना, अब इसी को वैल्यू को हम इसमें रख लीजिए, चाहे आप इसमें रख लीजिए। फ्रेंड्स देखिए ये डाटा आई थिंक सही नहीं है, इसी वजह से ये नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लेना आगे, क्योंकि यहाँ पर डेटा सही नहीं था, मुझको अच्छी तरह से याद नहीं है तो इसलिए, ठीक है फ्रेंड्स, वरना यहाँ पर आपका आसानी से कटता और वही वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देते, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी परीक्षा में कुल अंक 700 हैं, यदि पी को 58% अंक मिले। चलिए पहले पी के हम 58% निकाल लेते हैं, तो 700 का 58% अगर आप निकालेंगे, देखिए 57 56 5 7 5 35 और 5 40, ये पी को अंक मिले, और क्यू को पी से 105 अंक ज़्यादा मिले, ठीक है। इसमें 105 अंक इसको ज़्यादा मिले, 6 5 11 और 5 511 अंक इसे मिले, किसको, क्यू को। तो पूछा गया है कि क्यू को कितने प्रतिशत अंक मिले, ठीक है 511 मिले ना, टोटल कितने हैं 700, कितने परसेंट हैं, निकाल दीजिए यहाँ से 57 49, तो बचे 7 21, तो 73% अंक इसको मिले, ठीक है। देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पहले एक पति और पत्नी की औसत उम्र 23 वर्ष थी। देखिए पति और पत्नी
औसत क्या होता है, अपॉन टू, तेज थी ना ये, टू आपका इस तरफ जाएगा, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 46, जो कि 5 वर्ष पहले था। अभी अगर हम वर्तमान में लाएंगे तो 5 5 दोनों में ऐड होंगे तो कितना हो गया 56। ठीक है, ये वर्तमान में पति पत्नी की औसत उम्र नहीं फ्रेंड्स, ये उनका योग है। अब कहा गया है कि एक बच्चे और पति पत्नी उनका औसत आयु कितना है 19 है। देखिए पति पत्नी और उनका पुत्र, इनकी जो है औसत कितना है 19 अपॉन में 3 जाएगा, 3 इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 57। पूछा गया कि बच्चे की उम्र क्या है, देखिए 57 तीनों की है और पति पत्नी की 56 है, लेस कर देंगे तो बच्चे की कितनी निकल के आ जाएगी 1 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन थे फ्रेंड्स मेरे पास, आगे भी ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।